हाय गाइस, मैं हूं अन्वेषा मुखर्जी। आप देख रहे हैं सिंपल टिप्स अन्वेषा। हम पहुंच गए हैं अक्टूबर की डाइट प्लान में गए हैं और ये फेस्टिवल का सीजन है। नवरात्रि स्टार्ट होंगी 15 से, बंगालीज का दुर्गा पूजा आ रहा है, उसके बाद है दिवाली, करवा चौथ, सो मेनी थिंग्स कमिंग अप। करेंगे मोर ऑफ इंच लॉस, टोनिंग ऑफ आवर बॉडी अलॉन्ग विद वेट लॉस ऑफ कोर्स, हेल्दी स्किन एंड हेयर, क्योंकि ग्लोइंग स्किन सबको चाहिए। ऑल्सो वेन यू लुक एट इस टाइम ना, बहुत ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स बिकॉज ऑफ फास्टिंग या बहुत जंक खाने की वजह से भी हो जाती है। सस्टेनेबल डाइट प्लान लाइक ऑलवेज इन ऑल वीडियोज आई डू। नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना इफ यू आर स्टार्टिंग योर वेट लॉस जर्नी इन अक्टूबर, एंड इफ यू वॉन्ट टू कंसल्ट मी पर्सनली यू कैन ई मेल मी सो दैट आई कैन टेक यू अप पर्सनली इन माई कोचिंग एंड हेल्प यू लूज वेट। तो चलिए देरी ना करते हुए एक फ्री सैम्पल डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिस विल अगेन बी अ 1300 to 1400 किलो कैलोरीज डाइट प्लान। एंड उससे पहले कौन कौन अपने वेट लॉस जर्नी में है अभी कॉमेंट करके यस बताओ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिन की शुरुआत हम करेंगे एप्पल साइडर विनेगर वाटर के साथ। अब जिनको सूट नहीं होता दे कैन हैव सिंपल लेमन वाटर। पीरियड्स के क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज वगैरह रहता है वो लेंगे रेजिन सोक्ड वाटर। ब्रेकफास्ट में हम इस बार लेंगे सोक्ड ओट्स, क्विक इजी, नो हैसल ब्रेकफास्ट। चलो किचन में देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। सो फॉर दिस रेसिपी आई हैव एक्चुअली बॉइल्ड सम ओट्स इन वाटर और उसको एक जार में ऐड करेंगे। आप इसको ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हो। उसके बाद मैं अपना मिल्क डाल रही हूँ ऑफ माय चॉइस। आई एम यूजिंग ओट्स मिल्क, यू कैन यूज नॉर्मल डेयरी मिल्क ऑल्सो। उसके बाद मैंने थोड़ा एप्पल एंड चिया सीड्स डाल दिए। इसको थोड़ी देर के लिए मैं सोक करूँगी चिया सीड को इन द मिल्क, एंड आई एम गोइंग टू ऐड अ पिंच ऑफ सिनेमन ऑन टॉप अलॉन्ग विद 3-4 आलमंड्स। नाउ दिस इज सुपर क्विक एंड ईजी टू मेक, एक्सट्रीमली डिलीशियस, एंड यू मस्ट ट्राई इट आउट, यू विल लव इट आई एम श्योर। इफ यू कंज्यूम वे, अगर आप टॉलरेट कर पाते हो वे को, तो आप एक स्पून वे इसमें ऐड कर सकते हो। वीगन अगर प्रोटीन लेते हो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, अगर नहीं भी लेते हो तो चलेगा, कोई जरूरत नहीं है। ओके, थोड़ी देर बाद अगर आप चाय पीते हैं आप चाय ले सकते हैं। अगर चाय नहीं पीते हो तो यू कैन कंज्यूम, इस टाइम यू कैन कंज्यूम कोकोनट वाटर और अ फ्रूट, यू कैन हैव अ सीजनल फ्रूट। कमिंग टू लंच, लंच में हम लेंगे वेरी सिंपल, या तो रोटी जो खाते हैं मल्टीग्रेन, दो चपाती लेंगे विद अ बोल ऑफ दाल, और जो रोटी नहीं खाते जो राइस खाना चाहते हैं दे कैन टेक जीरा राइस और नॉर्मल राइस, अ लिटिल बिट ऑफ राइस अलॉन्ग विद दाल। जस्ट क्विकेस्ट सिंपलेस्ट मसूर दाल की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। काली मसूर दाल को पहले मैंने 2 घंटा पानी में भिगो लिया है ताकि ये बनाने के वक्त काफी आसान एंड ईजी एंड क्विक प्रोसेस हो जाए। सबसे पहले प्रेशर कुकर के मस्टर्ड ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, उस पर जीरा लगाया है चॉप, उसके बाद एक कार्डमम डालूंगी, फिर 2 तेज पत्ते लिया है। आप यहाँ पर लाल मिर्च भी डाल सकते हो, सूखी लाल मिर्च। मैं हींग डालूंगी, हींग का चॉप ऑलमोस्ट 1/4 teaspoon इज व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड। अब उसमें मैं बारीक कटे हुए थोड़ा सा प्याज डालूंगी, मैंने नमक, जीरा, धनिया पाउडर, उसके बाद मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, एंड फिर इन सबको मैं अच्छे से सॉटे करूंगी। मसालों को पकाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब पक जाए फिर हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। माइंड यू पहले हमने जब प्याज डाली थी प्याज को भी अच्छे से पकाना है, मेक इट टर्न ब्राउन। ओके, उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून अदरक गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, और देखो जैसे मैं फिर से अच्छे से पका रही हूँ। लेट एवरी थिंग कुक वेरी वेल, एंड उसके बाद मैंने दाल ऐड कर लिया है, 1 कटोरी डाल लिया है। उसमें मैं 2 to 2.5 कप्स ऑफ वाटर लूँगी, ये मेजरमेंट होगा मेरा मेरे प्रेशर कुकर में। सो देन आई मिक्स इट वेल, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू एड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, नमक डालूंगी ऊपर से क्योंकि पानी ज़्यादा डाला है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज द लिड एंड लेट इट प्रेशर कुक। 1 ही सीटी काफ़ी होती है, पक जाती है दाल। 1 सीटी बाद मैंने उसको लिड को खोल लिया है और मैं चेक कर रही हूँ मेरी दाल बनी है कि नहीं। मेरी दाल मेरी बन गई है, मुझे मेरी पानी की कंसिस्टेंसी भी ठीक लग रही है। आप अपना पानी की कंसिस्टेंसी देख लेना अकॉर्डिंगली। अब तड़का डालना है दाल में। तड़का मैंने घी में छौंक लगाया है, घी, जीरा, थोड़ा सा प्याज, गार्लिक, हरी मिर्च सॉरी, इसके साथ मैंने तड़का दिया है दाल में, और उसको लिड को क्लोज कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए फॉर द ग्रेट अरोमा, खुशबू अच्छी होगी। उसके बाद लिड हटा के मैंने एज यू कैन सी कोरिएंडर या फिर धनिया पत्ता डाल दिया है, टेक द टेस्ट एंड अरोमा टू अनदर लेवल। और काली मसूर दाल बन गई है, आई गारंटी इस तरीके से बनाओ, ईजी है, क्विक है, एंड में आप 1 टेबल स्पून घी भी फिर अलग से ऐड करके बना सकते हो दाल को। इसके साथ एज प्रोटीन यू कैन आल्सो टेक सम पनीर भुर्जी। अगर आप पनीर नहीं खाना चाहते देन यू कैन टेक एग भुर्जी, एंड अलॉन्ग विद दिस ऑफ कोर्स अ प्लेट ऑफ सैलड। काफी एक फिलिंग लंच होगा, मल्टीग्रेन चपाती खाएंगे तो उससे काफी फिलिंग रहेगा, काफी देर तक फिलिंग रहोगे। दिस इज इजी टू कैरी टू ऑफिस ऑल्सो, ऑफिस। ठीक है, अब आते इवनिंग की टाइम। इवनिंग यहाँ पर सब गड़बड़ कर लेते हैं। 4 बजे के करीब जिन्होंने सुबह
फ्रूट नहीं लिया वो ये टाइम 4 बजे फ्रूट ले लेना, ठीक है। बट जिन्होंने सुबह फ्रूट लिया वो उस टाइम क्या करेंगे, बेसिक एक चीज लेंगे, दैट इज मखाना विद ग्रीन टी। कमिंग टू डिनर, डिनर हम 3 घंटे पहले रैप अप कर देंगे बाय हुक एंड क्रुक। डिनर में हम बनाएंगे रोटी पिज्जा। एक रोटी लो, 1 टीस्पून ऑफ केचप उस पर डालो, अपने चॉइस की जो भी वेजिटेबल्स पसंद है उसको डालो, ऊपर से थोड़ा सा पनीर डाल दो एंड चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डाल दो, ऑप्शनल है। उसके बाद एक हीटेड कढ़ाई या तवा लेनी है, लिड क्लोज करके रखना है, बस मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट आपकी वेजिटेबल्स पक जाएंगी। और 5 मिनट बाद ना आप देखोगे साइड जो है थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है, थोड़ा सा चार्ज एक फ्लेवर हो गया है। एंड अगर आप चीज़ मतलब कॉटेज चीज़ अगर यूज़ करते हो तो वो हल्की सी मेल्ट हो जाती है, आप वैसे चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। रिमेंबर दिस थिंग दैट आई एम सेइंग, वर्ड्स ऑफ विजडम, स्पेसिफिकली जिनको एसिडिटी ब्लोटिंग के इश्यूज रहते हैं, एब्सोल्युटली 3 आवर्स बिफोर योर बेड टाइम शुड बी योर डिनर, एंड डिनर शुड नॉट बी टू लाइट और टू हैवी, एक मॉडरेट सेशिएटिंग डिनर होनी चाहिए। अब सोने से एग्जैक्टली 1 घंटा पहले यू विल मेक दिस ड्रिंक, अजवाइन फेनल वाटर। चलो किचन में मैं बताती हूँ कैसे बनानी है इसको। पानी लेना है, अब 1 टीस्पून अजवाइन डालना है और 1 टीस्पून फेनल सीड्स डालना है पानी में। इसको थोड़ी देर तक बॉयल होने देना है, जब वो अच्छे से बॉयल हो जाए फिर उसको ना थोड़ी देर हम लिड क्लोज करके रखेंगे फॉर एन आवर, लेट इट सोक द फ्लेवर्स इन द वाटर कम्प्लीटली, लेट इट स्टीप फॉर सम टाइम। आफ्टर एन आवर जस्ट स्ट्रेन द वाटर एंड हैव द वाटर। आप इसको सुबह भी पी सकते हो, बट अगर सुबह आपको यूजली ब्लोटिंग की इश्यूज रहती है नींद से उठते ही, देन रात को ये लो। इरेटिक स्लीप टाइमिंग्स बहुत बड़ा रीजन होता है, लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग बहुत बड़ा रीजन होता है, इंटरमीडियंट फास्टिंग एट रॉन्ग टाइम्स, इंटॉलरेंसेस टू फूड आइटम्स, बहुत लोगों को ग्लूटेन की इंटॉलरेंस है, डेयरी की इंटॉलरेंस है, जैसे मैं बोल रही हूँ दिस, ऑफकोर्स जंक शुगर का तो पता ही है सबको, टू मच स्पाइसी फूड का पता है, बट ये 2 चीजों का भी लोगों को आइडिया नहीं है। So be more mindful now from all these things, ठीक है, जब भी आप खाने जाओ। हो सकता है पहले किसी चीज को इफेक्ट नहीं होता था, अब हो रहा है, हमारी बॉडीज हमेशा चेंज हो रही है, ये बात भी ध्यान में रखना, ठीक है, कि नहीं पहले तो खाती थी, पहले तो वो एज गया, अभी जो टाइम आया है बॉडी चेंजेस होती रहती है, सेल्स टर्न ओवर होती है, थिंग्स चेंज, इंटॉलरेंसेस डेवलप ओवर द टाइम, सो यू हैव टू बी केयरफुल, बी कॉन्शियस ऑफ द फूड दैट यू आर कंज्यूमिंग। दिस डाइट प्लान इज वेरी सस्टेनेबल, इट विल हेल्प यू लूज वेट सस्टेनेबली, जो भी आपका गोल हो, टाइम के बारे में मत सोचो, कंसिस्टेंसली इसको फॉलो करो और टाइम अपने आप हो जाएगा। आपको 5 केजी करना है, 10 केजी करना है, 15-20 किलो जो भी करना है, अपने टाइम पे अपने बॉडी अपने हिसाब से करेगी, ठीक है, बट कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करना है। एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक होल बॉडी वर्कआउट वीडियो होगा, उसको फॉलो करना है, डेली 45 मिनट निकालना है वर्कआउट के लिए, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि आप वर्कआउट के वीडियोस नहीं डालते हो, आई थिंक आजकल ना वो यूट्यूब का ट्रेंड चला गया, इट डजंट वर्क एनी मोर, पीपल डोंट वॉन्ट टू सी लॉन्ग फॉर्मेट वर्कआउट वीडियोज, सो आई विल पुट इट अप इन शॉर्ट्स, या मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी उसमें मैं डाल दूंगी थोड़े बहुत वर्कआउट्स, बट जो मेरे पुराने वीडियोज है आप प्लीज उनको फॉलो करें ना, वो बहुत ही बढ़िया एक एक चीज बढ़िया वर्कआउट्स है। मैं नीचे एक होल बॉडी वर्कआउट डाल दूंगी, आप इसको जरूर फॉलो करना। प्लीज स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स एंड ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर एटलीस्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू फॉलो, बंगाली दुर्गा पूजा इज कमिंग अप, तार आगे बिफोर दैट यू हैव टू फॉलो दिस सो दैट यू कैन लूज वेट बिफोर दुर्गा पूजा, जो नवरात्रि करने वाले उससे पहले आप इसको फॉलो करें, एंड ऑफकोर्स वेन यू आर इन योर नवरात्रि फेज यू वॉन्ट अ डायट प्लान, आई हैव ऑलरेडी मेड इट, यहाँ पर लिंक आई बटन पे होगा, प्लीज चेक कर लो। यस, हैप्पी फेस्टिविटीज टू ऑल ऑफ यू, क्या प्लान है जरूर कॉमेंट्स में मुझे बताइएगा, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।